इस समय पढ़ना सिखाने की विधियां जो देश में इस्तेमाल हो रही हैं, ये हमारी दृष्टि में बहुत सफल नहीं है, उपयोगी नहीं है। और ये मान लेने का समय अब आ गया है कि हमको कुछ नई विधियों का इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो गणित में हो, चाहे विज्ञान में हो या भाषा में हो। कुछ ऐसे बुनियादी कौशल हमारे स्कूलों में अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते, अच्छी तरह से यानी इस तरह से कि उन कौशलों का प्रयोग फिर बच्चा सहज होकर कर सके। और इन कौशलों में शायद सबसे प्रमुख कौशल है पढ़ने का कौशल। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अभी भी मानता हूं कि सुनने का कौशल शायद सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, जो कि हमारे स्कूलों में आज भी उपेक्षा का विषय है। पढ़ना सिखाने की बेहतर विधियों का प्रचार और प्रसार हम करें और खासकर इन विधियों को शिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रवेश दिला सकें, जिससे हमारे शिक्षक को इस विषय में जो एक तरह का रहस्यात्मक वातावरण फैला हुआ है उसमें कुछ दृष्टि मिले। रहस्यात्मक इसलिए है क्योंकि वास्तव में जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये तमाम कारक भवन के, पोषण के, थोड़े थोड़े दूर होने के बावजूद बच्चों का उपलब्धि स्तर नहीं बढ़ रहा है। और पढ़ना कक्षा एक में लगभग पूरे ही साल पढ़ाया जाता है, फिर भी बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते और सर्वेक्षणों के तो कोई अंत नहीं है। बार बार ये शायद शिकायत आती है कि चौथी पांचवी तक बच्चे पहुंच जाते हैं लेकिन वो स्वतंत्र रूप से पढ़ नहीं पाते। तो ये जो पूरी प्रवृत्तियां हैं हमारी पद्धति की, इन प्रवृत्तियों को आप कक्षा एक से ही देखना शुरू कर सकते हैं। और जिन स्कूलों में कक्षा एक से भी पहले पढ़ाई होती है उनमें और भी पहले से आप ये प्रवृत्तियां देख सकते हैं। इस बात की प्रवृत्ति कि हमारे शिक्षक का ध्यान पढ़ने के कौशल के नाम पर मुख्यतः इस बात पर रहता है, कक्षा एक में आप जाकर के अगर इसको देखें, इस बात पर रहता है कि बच्चे सभी अक्षरों की ध्वनियां पहचान लें, अक्षर पहचान लें और उस अक्षर से जुड़ी हुई ध्वनि पहचान लें। और यही चर्चा हमने आपके साथ पिछली बार बड़े विस्तार से की थी कि ये जो पद्धति है, जिससे उस बार की चर्चा में मुझे याद है कि कम से कम 7-8 लोग जिनके नाम मैंने बड़े गौर से दर्ज कर लिए थे कि फिर जब मिलेंगे तो पूछेंगे, जिन्होंने कहा था कि सर हम अभी कन्विंस नहीं है इस बात से कि ये पद्धति ठीक नहीं है, क्योंकि वर्णमाला पद्धति जिसमें अक्षर और अक्षरों की ध्वनियों से गहरा परिचय कराया जाता है, ये पद्धति कई हजार वर्ष पुरानी है। और इस पद्धति में इसलिए अनेक शिक्षकों का अटूट विश्वास है। वो जो पद्धति है उस पद्धति में ऐसी कई बातें हैं जो कि बाल मनोविज्ञान से जुड़ नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि ये पद्धति पूर्णतः असफल है या पूर्णतः गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस पद्धति में भी कोई ना कोई सफलता जरूर मिलती है। अंतर एक ही है, अब वो अंतर ये है कि इस पद्धति से हर एक बच्चे को जल्दी से जल्दी पढ़ना सिखाना बहुत मुश्किल है। एक तो ये बात है और दूसरे पढ़ना सिखाने के जो अन्य उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये पद्धति बहुत उपयोगी नहीं है। पहली बात पर बहुत संक्षेप में मैं प्रकाश डालूंगा कि ये जो स्थिति है कि थोड़े से बच्चों को अगर सफलता मिलती है तो फिर बाकियों को क्यों नहीं मिलती, ये स्थिति हमको समझना होगा कि ये भारत के लिए एक नई स्थिति है कि हम लोग हर बच्चे को आज शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है लेकिन ये प्रयास पहली बार हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में हो रहा है। वरना हमारे समाज में जो शिक्षा व्यवस्था थी, चाहे प्राचीन काल में, चाहे मध्य युग में, चाहे अभी 100 साल पहले तक जो आजादी आप कह सकते हैं, वो व्यवस्था यही थी कि थोड़े से लोग अगर पढ़ना सीख जाएं, थोड़े से लोग अगर विद्वान हो जाएं तो बहुत है। और बहुत बड़ी तादाद में समाज में बहुत से लोग केवल मौखिक या वाचिक संस्कृति से ही काम चलाते थे। जिन बच्चों के पास स्कूल के बाहर यानी घर पर भी कुछ सहयोगी वातावरण होता है वो किसी न किसी प्रकार पढ़ना सीख जाते हैं। घर पर अगर माता पिता शिक्षित हैं, घर पर थोड़ी बहुत किताबें हैं या माता पिता बड़े भाई बहन रुचि लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि स्कूल में कितनी ही मुश्किलें हों तो भी कुछ ना कुछ काम चल जाता है और बच्चा किसी प्रकार से पहली में नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी तक आते आते
पढ़ना सीख लेता है। लेकिन आज सर्व शिक्षा अभियान में आप देखते होंगे कि ऐसे अनेक बच्चे आ रहे हैं जिनके घर पर ऐसा वातावरण नहीं है, जिनके घर पर पूर्णतः निरक्षर माता पिता है या भाई बहन भी निरक्षर है, या अगर निरक्षर नहीं है तो अपने काम में इस कदर मशरूफ है कि उनके पास बच्चे पर ध्यान देने का समय नहीं है। इसलिए घर से कोई सहयोग पाने की अपेक्षा आज का प्राथमिक शिक्षक सब बच्चों के संदर्भ में नहीं कर सकता। और इसलिए भी ये प्रश्न उठता है कि ऐसी पद्धति जो कि थोड़े से बच्चों के साथ ही सफल हो पाती है क्यों इस्तेमाल की जाए या कैसे इस्तेमाल की जाए, ये सवाल है। इस पद्धति में जो सीमा है या समस्या है, वो समस्या यही है कि ये पद्धति बच्चे से अथक धैर्य की मांग करती है। और ये मांग ये इसलिए करती है कि एक तरफ बच्चे का मन है और दूसरी तरफ इस पद्धति की सीमा है। दोनों को समझ लीजिए तो हम समझ जाएंगे कि ये बच्चे से अथक धैर्य की मांग क्यों करती है। देखिए, इस पद्धति में जो विशेषता है वो यही है कि ये पद्धति हमसे कहती है पहले इस चरण को पार करो तब तुम्हें आगे का फल मिलेगा। और ये चरण क्या है कि हर अक्षर की आकृति सीख लो और उस आकृति के साथ जुड़ी हुई ध्वनि पहचान लो, उसको ठीक से उच्चारित करना सीख लो और इन अक्षरों को एक क्रम में जिस तरह वर्णमाला में रखा जाता है इसीलिए उसको वर्णमाला कहते हैं। वो माला ऐसी नहीं है कि यहां कनेर का फूल लगा दिया तो वहां चांदनी का, जहां चाहे जिस क्रम से कर दिया, एक निश्चित उसमें क्रम है। पहले स्वर है पूरे, उसके बाद व्यंजन है, फिर व्यंजनों में भी एक क्रम है, आपने देखा होगा। कि वर्णमाला पद्धति कहती है कि नहीं भाई, इस माला के इन फूलों को आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप इनको क्रम से करेंगे। जब ये तुम सीख लोगे अच्छी तरह से तो फिर धीरे धीरे तुम्हें पढ़ना आने लगेगा। अभी तो केवल अक्षर ज्ञान करो, अभी केवल स्वर और व्यंजन ज्ञान करो, ध्वनियां सीख लो, क्रम सीख लो। अभी ये कोशिश करोगे कि भाई इस किताब पर क्या लिखा है ये एकदम अभी पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं समझ पाएगा। पहले ये समझो कि ये जो पहला अक्षर है ये वर्णमाला में किस जगह पर है, उसका पहचानो, उसकी ध्वनि पहचानो। यानी इस पद्धति में पढ़ना एक प्रकार का दूर का वायदा है जो तब जाके पूरा होगा जब बच्चा इन तीनों बातों को कर लेगा। अब आइए एक मिनट जरा बच्चे पर ध्यान दें कि बच्चा किसे कहते हैं, तो 5 वर्ष का बालक किसे कहते हैं। 5 वर्ष का बालक उसे कहते हैं जो उस तरह से हर चीज जल्दी चाहता हो जिस तरह से आज वयस्क लोग मोबाइल बजने पर तुरंत भाग खड़े होते हैं। आजकल वयस्कों की भी हालत बच्चों जैसी हो रही है कि वो किसी चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकते। बाल मन भी ऐसा ही होता है, इंतजार नहीं कर सकता। उसको अगर भूख लगी है तुरंत उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, अगर उसको कहीं कष्ट हो रहा है तो तुरंत उसको उस कष्ट का निवारण चाहिए। बच्चों में एक अधीरता का, चंचलता का, ये ईश्वर प्रदत्त गुण है, आप कह सकते विशेषता है। ये जो प्रवृत्तियां हैं ये एक बहुत बड़े संदर्भ में अगर आप देखें तो ये बच्चों की एक बड़ी बुनियादी विशेषता की ओर इशारा करती है जिसको आधुनिक मनोविज्ञान ने बहुत गहराई से समझ के बार बार सिखाने की कोशिश की है, लेकिन आसानी से हम लोग जो बड़े हो जाते हैं सब सीख लेते हैं। और वो ये विशेषता है कि बच्चा जन्मजात इस संसार में कोई अर्थ ढूंढता है, अपने लिए कोई मतलब ढूंढता है, और वो ऐसा कोई काम उसको पसंद नहीं है जिसमें कोई अर्थ ना हो, जिसमें ऐसा कोई अर्थ ना हो जो उसके मन का ना हो। वो अगर रोता है तो इसमें भी अर्थ है, खाने के लिए मांग रहा है, जन्म लेते ही रोता है क्योंकि उसको अकेलापन महसूस होता है, मां के लिए रोता है, उसके बाद भूख लगती है तो रोता है, अगर चुप हो जाता है तो वो भी बिना अर्थ के चुप नहीं होता, संतुष्ट होता है तब चुप होता है, अगर उसके मन में कोई और कष्ट नहीं है तब वो खेलता है। पर वो खेलता भी इसलिए है कि वो खेल के जरिए चीजों से जुड़ना चाहता है, संसार को समझना चाहता है। उसके लिए संसार एकदम नया है, अपरिचित है। उसकी सभी गतिविधियों को अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि हर गतिविधि में कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ है,
इसीलिए मनोविज्ञान से कहता है कि बच्चा एक सोदेश प्राणी, उद्देश्य जो है वो किशोरावस्था में या हमारी उम्र में नहीं प्रकट होता, बल्कि हमारी उम्र में आने पर तो उद्देश्य अपने आप कुछ खिसकने लगते हैं। छोटे बच्चे के लिए सोदेश्यता एक बहुत ही केंद्रिक विचार है, और इसलिए संक्षेप में ये बात अब आप समझ सकते हैं कि इसलिए ऐसी कोई भी पद्धति जो तुरंत बच्चे को कोई अर्थ नहीं देती या उसको ये तुरंत महसूस नहीं करा पाती कि मैं ये क्यों सीख रहा हूं, इससे मुझे क्या लाभ है, ऐसी कोई भी पद्धति बच्चों को रास नहीं आ सकती, पसंद नहीं आ सकती। और वो जो पद्धति जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, वर्णमाला पद्धति की समस्या ही ये है कि वो पद्धति बच्चे से कहती है कि भाई आज ये सब करो, ध्वनियां सीखो, आकृतियां सीखो, क्रम सीखो, कल के दिन तुम पढ़ना सीख सकोगे और पढ़ने का अर्थ तब तुम्हें समझ में धीरे धीरे आएगा। ये पद्धति थोड़े से बच्चों के साथ काम कर जाती, लेकिन आज जो स्थिति है इसमें हम अगर सामान्य बालक पर विचार कर रहे हैं जिसके घर पर ऐसा वातावरण नहीं है, और हम सहज बाल प्रवृत्तियों पर विचार करके किसी ऐसी पद्धति का अगर संधान कर रहे हैं जो कि हर एक बच्चे पर सफल हो सके या जिसमें इस बात की संभावना हो कि हर एक बच्चे में उसमें रस लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम पढ़ने के कौशल को इस प्रकार देना शुरू करें जिसमें पहले ही दिन से कुछ सार्थकता नजर आए, जिसमें पहले दिन यह ना कहना पड़े कि आज तो केवल क या अ आ इ की आज पढ़ोगे और अभी कई दिन पढ़ते रहोगे तब जाके धीरे धीरे स्वर ज्ञान होगा, उसके स्थान पर हम पहले ही दिन कुछ सफलता बच्चे को महसूस करा सकें कि उसने खुद कुछ पढ़ा। और यहां जब आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं खुद कुछ पढ़ा, तो इसका आशय होगा कि ऐसा पढ़ा जो कि हो सकता है कि वो पूरी तरह से उन अक्षरों को पहचान के न पढ़ पाया हो, लेकिन उसको ये सुख मिला कि मैंने पढ़ा। और यहां हम कहना चाह रहे हैं कि जो पढ़ना शब्द है इसका भी थोड़ा सा अलग अर्थ हमको लेना हो। अभी तक हम इसका अर्थ ये लेते आ रहे हैं कि पढ़ना उसे कहेंगे कि जब अक्षरों को पहचान कर उनकी सही ध्वनियों में उन अक्षरों का उच्चारण करके कोई बच्चा किसी शब्द को पढ़कर सुना दे, उसको पढ़ना कहेंगे। यानी अगर वहां लिखा हुआ है कबूतर तो वो कहे कि हाँ क ब बड़े ऊ की मात्रा त र कबूतर, तब जाके पुराना शिक्षक खुश होता है कि हाँ इसने कबूतर पढ़ दिया। कबूतर पढ़ने से आशय क्या हुआ कि कबूतर शब्द में जो चारों यहां पर अक्षर आ रहे हैं, उनमें लगी हुई मात्रा आ रही है, उसके साथ जुड़ी हुई ध्वनियां हैं, इन सबको उसने पहचान के पढ़ा। और अगर आप ऐसे शिक्षक से कहें कि भाई यहां पर एक कबूतर का चित्र हम बना देते हैं और उसके नीचे कबूतर लिखा हुआ है, और हम बच्चे से कहते हैं कि देखो ये कौन सा पक्षी है, और बच्चे पक्षी तो पहचान लेंगे कि भाई कबूतर है, नहीं भी पहचाने हम बता देते हैं कि कबूतर है, तो ये अगर कबूतर है तो नीचे क्या लिखा होगा, तो कोई बच्चा अनुमान से कह सकता है कि अगर जी पक्षी का चित्र है तो नीचे कबूतर ही लिखा होगा। और अगर इस पद्धति से हम दो तीन बार उसको ये चित्र दिखाएं और उसके बाद ये चित्र हटा लें और केवल वो शब्द वहां छोड़ दें और उसे कहें कि ये शब्द पहचानो क्या लिखा था, तो हो सकता है कि बच्चा आपसे कहे हाँ ये कबूतर लिखा है, फिर आपसे कहें कैसे पता तुम्हें कबूतर लिखा है, तो वो ये ना बता सकेगा कि ये क है, ये ब है, इसमें ऊ की मात्रा है, ये त है, ये र है, ये जब वो नहीं बता पाएगा क्योंकि अभी उसको इन वर्णों का ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वो उस चित्र की स्मृति से इस शब्द को पढ़ सकता है। पढ़ने की जो परिभाषा ये नई पद्धति लेके चलती है वो परिभाषा यही है कि बच्चे आरंभ में अनुमान की मदद से पढ़ेंगे और धीरे धीरे उनका ध्यान इस अनुमान से पढ़े हुए शब्दों, वाक्यों, कहानियों इत्यादि से धीरे धीरे उनका ध्यान हम उन शब्दों में निहित इकाइयों पर भी ले जाएंगे और अपने आप एक स्थिति आएगी जिस दिन वो पूरी बात पढ़ने में आसानी महसूस करेंगे। और इस पद्धति से पढ़ना सिखाने के क्रम में
कई और घटनाएं होंगी जिनमें शिक्षक को अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्षमताओं का प्रवेश विकास दिखलाई देगा। कुछ बच्चे हो सकता है कि जल्दी ये सीख जाएंगे, यहां मात्रा लगी है। कुछ बच्चे हो सकता है ना सीख पाए, कुछ बच्चे बाद में सीख पाए। लेकिन इस पद्धति में विशेषता यही रहेगी कि हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा सुख अवश्य पहले दिन से मिलना शुरू होगा कि उसने कुछ पढ़ लिया, भले पूरी तरह से ज्ञानपूर्वक नहीं पढ़ा, बाद में समझ में आएगा, लेकिन कुछ कुछ उसने पढ़ लिया। और इस तरह पढ़ने से, इस तरह पढ़ लेने से जो उसको एक संतोष मिलेगा, इस पद्धति में उसी संतोष पर सारा जोर है। क्योंकि ये पद्धति बुनियादी रूप से ये मानती है कि बच्चे को अगर स्कूल के पाठ्यक्रम में धीरे धीरे विकास करना है तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि बच्चों की रुचि लगातार स्कूल के पाठ्यक्रम में बनी रहे और उनके ऊपर ऐसा कोई काम न थोपा जाए जो कि बहुत समय बाद जाकर के कोई अर्थग्रहण करेगा, जिससे वो ऊब जाए, परेशान हो जाए। अगर बच्चा तंग आ गया कि महीना भर हो गया, दो महीना हो गया है और कुछ नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस दिन भर अ आ ई ई करता रहता है, तो आप मान के चलिए कि धीरे धीरे वो जंग होता रहेगा। और बच्चे की जंग का क्या मतलब है? कभी आपकी बात नहीं सुनेगा, चिल्लाएगा, इधर से उधर भागेगा, कोई चीज उठा के पटकेगा, दूसरे बच्चों के साथ लड़ेगा इत्यादि, उससे आपकी जंग भी शुरू हो जाएगी। आप कितने ही अहिंसक हो, गांधी वाली हो, आप भी जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक बार जब आप जंग के लिए तैयार हुए तो बच्चे और अध्यापक के बीच जो जंग है वो शिक्षा के सारे उद्देश्यों को भस्म कर देंगे। ये हर एक अध्यापक को पता है कि जब एक बार प्यार की जगह लड़ाई शुरू हो गई तो फिर कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। शिक्षा की पद्धति में एक बुनियादी विषय यही है कि जब तक प्यार बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, तभी तक इस बात की संभावना है कि बच्चे आपसे कुछ सीख सकेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये नहीं हो पाता। और बहुत से बच्चों के संदर्भ में वो कौशल जो कि बच्चे और शिक्षक के बीच संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पुल बन सकता था और बच्चे के विकास की जो बुनियाद है, वही कौशल बच्चे और अध्यापक के बीच में कक्षा एक से ही जन्म का आधार बन जाता है। और अध्यापक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये शब्द ज्यादा प्रचलित है इसलिए मैं इस शब्द का अंग्रेजी में ही व्यवहार कर रहा हूं, इसको कहते हैं कि अध्यापक फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। इस शब्द की ध्वनि अगर आप सुने तो आप समझ लेंगे कि हिंदी में जो निराश शब्द है उससे ये व्यक्त नहीं हो, वो ये बात व्यक्त नहीं हो सकती। आप कहें अध्यापक निराश हो गया, कोई बात नहीं, बहुत सी चीजों में निराश है हम, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो गया, इसका मतलब ये है कि उसके मन में लगातार कांटे पैदा होने लगते हैं कि ये तो कुछ सीख नहीं सकते। और वो किसी ना किसी प्रकार से उन बच्चों से धीरे धीरे विमुख हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उनके प्रति उसका राग भाव, प्यार का भाव, धैर्य का भाव, जो बड़ी मुश्किल होता है, वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है छोटे बच्चों से धैर्य बनाए रखना, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे स्थिति यह आ जाती है कि पहले ही वर्ष में जाड़े तक बहुत से बच्चों के मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि ये जो आदमी है या ये जो महिला है ये मुझसे प्यार नहीं करता है और अब इसको मेरी परवाह नहीं है। हालांकि छोटे बच्चे इस भाषा में बोलते नहीं है, लेकिन उनको ये समझ में आ जाता है कि अब आपके मन में मेरे सीखने की आशा नहीं बची। और जैसा ये एक ऐसा एहसास है ये, जिसकी वजह से वो धागा टूट जाता है, जिसके वजह से बच्चे स्कूल आते हैं उनमें आशा रहती है कि आपसे कुछ सीखेंगे। तो ये जो पूरी भूमिका है ये हमने सिर्फ इसलिए बांधी जिससे कि हम लोग एक बार दोबारा इस पर लौट सकें कि पढ़ने का कौशल किस तरह आज की स्थिति में परिभाषित किया जाए और इस परिभाषा में ये बात बनी रहे कि एक तो हर बच्चे को पढ़ना सिखाने का अरमान पूरा करना है, नंबर एक। दूसरा, अगर ये अरमान पूरा होना है तो ये आवश्यक होगा, जैसा कि इस परिभाषा में निहित, पहले वाली चर्चा में निहित था, कि पहले ही दिन से पढ़ना एक सार्थक अनुभव होना चाहिए, पहले ही दिन से इसमें कुछ ना कुछ संतोष, कुछ ना कुछ खुशी मिलनी चाहिए, यानी कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ सकता हूं इस बात का एहसास। और इस आधार पर आप इस नई परिभाषा में कह सकते हैं कि दरअसल पढ़ना एक ऐसा कौशल नहीं है जो कि पढ़ाया जाना हो, बल्कि एक ऐसा कौशल है जो कि धीरे धीरे विकसित
विकसित होना है, जैसे कि फूल विकसित होता है। फूल को आप खिला नहीं सकते, आप कहें कि भाई ये कली है, मेरे पास तो टाइम है नहीं, इसकी ही पंखुड़ियों को थोड़ा थोड़ा फैला करके और हम खिला देते हैं, संभव नहीं होता। इसी तरह से ये पढ़ने का कौशल है, इस कौशल को विकसित होने का मौका देना है। और विकसित होने का मौका देने का अर्थ ही है कि अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराना है जिसमें बच्चे को, बच्चे में रुचि पैदा करने की क्षमता हो, आकर्षित करने की क्षमता हो, और जिसको पढ़ते समय, यानी कि जिसको देखकर अनुमान से भी पढ़ते समय बच्चे को थोड़ा थोड़ा सुख मिलने लगे इस बात का, भले ही वो धोखा है, वो सुख असली सुख नहीं है, पूरी तरह नहीं पढ़ सकता है, लेकिन उसको इस बात का थोड़ा थोड़ा एक सुख मिलने लगे कि मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि इस सुख से जुड़ा हुआ है बच्चे का आत्मविश्वास। अगर ये सुख शुरू में उसको एक आप कह सकते हैं कि बगैर गहराई से पढ़े हुए भी मिल रहा है, लेकिन इससे कुछ और हासिल हो रहा है जो कि आज की शिक्षा व्यवस्था में हासिल नहीं हो रहा है, वो है आत्मविश्वास, मैं पढ़ सकता हूं। अगर मैं पढ़ सकता हूं तो मैं कल के दिन पढ़ लूंगा, कल नहीं तो परसों पढ़ लूंगा। जब तक इंसान में यह आत्मविश्वास रहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बात सिर्फ बच्चों पे लागू नहीं होती, ये बात बड़ों पे भी लागू होती है, चाहे वो व्यापार कर रहे हो, चाहे वो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो, चाहे वो कोई और काम मकान बना रहे हो। अगर उनके मन में ये आत्मविश्वास बना रहता है कि मैं कर सकता हूं, यानी मेरी ऐसी क्षमता है, तो वो आज नहीं तो कल कुछ वर्ष बाद कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन बच्चों के संदर्भ में तो ये बात बहुत ही सच है कि अगर बच्चे में ये आत्मविश्वास किसी शिक्षा प्रणाली ने तोड़ दिया और ये महसूस करा दिया दो चार महीने जब वो नहीं पढ़ पाया कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, और अगर दो चार बार किसी ने घर पे भी कह दिया कि तुमको जुलाई से भेज रहे हैं, बिल्कुल बुद्धू हो, अब तक पढ़ना नहीं सीख पाए, अरे तुम इससे अच्छा है हलाको, जाओ बकरियां चराओ, अगर किसी ने इस तरह बोल दिया तो आप समझिए कि फिर बच्चे का आत्मविश्वास बिल्कुल ही टूट जाएगा। और ये एक सच्चाई है कि घरों में इस तरह की बातें बच्चों को अक्सर सुनने को मिलती है, अगर खास करके शुरू के कुछ महीनों में उनमें कोई ऐसा विकसित नहीं हो सका कौशल जिसको माता पिता महसूस कर सके, तो इस तरह की बातें बहुत आम तौर पर उनको सुनने को मिलती है और ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास टूट जाता है। तो हमको पढ़ने के कौशल की कोई ऐसी परिभाषा रचने का प्रयास अपने मन में करना है जिसमें ये सारी विशेषताएं हों, और जो पढ़ने के कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देने के स्थान पर धीरे धीरे बच्चे में विकसित होने की संभावना पैदा करती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो वो दिया नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष रूप में देने के जो तरीके हैं कि भाई वर्णमाला सिखाओ, ये सब करो, धीरे धीरे अंत में वो पढ़ने भी लगेंगे, जब वो मात्राएं भी सीख जाएंगे, बारह खड़ी हो जाएगी, ध्वनियां हो जाएंगी, आकृतियां हो जाएंगी, तो एक दिन आकर के वो दिन आएगा जिस दिन वो पढ़ेंगे क म ल कमल, वो वाला जो पूरा सिस्टम है उस व्यवस्था में ये जो विशेषताएं हैं जिनकी ओर हमने पहले इशारा किया, उनकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके विकल्प के तौर पर हमको एक ऐसी पद्धति की कल्पना करनी होगी जिसमें बच्चे में स्वयं पढ़ने की इच्छा लगातार बनी रहे और विकसित होती रहे, और उसमें ये आत्मविश्वास बनता चला जाए कि हम पढ़ सकते हैं, हम खुद पढ़ सकते हैं, और वो आपका प्रयोग केवल इस नाते करे कि आप उसको लगातार प्रोत्साहित करते रहे, और जिस जिस चीज में उसको कठिनाई आ रही है वो कठिनाई आप दूर करते चले। यानी शिक्षक की भूमिका भी यहां बदल जाएगी, शिक्षक स्वयं पढ़ाने की जगह बच्चे में किसी विकसित होती हुई चीज का उद्दीपन करने वाला बन जाएगा, प्रोत्साहक बन जाएगा, और उसके रास्ते में जो बाधाएं हैं, जिसे कोई शब्द नहीं पढ़ पा रहा है, अर्थ चित्र भी दिख रहा है तो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको कि ये क्या लिखा होगा, तो ऐसी बाधाओं की स्थिति में वो मदद करे, उन बाधाओं को दूर कर दे, तो ऐसी पद्धति हमको विकसित करने की एक कोशिश करना है अपनी कक्षाओं में।